वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर 6 ऑफ उर्दू, पेड़ पौधों की दुनिया, प्लांट्स किंगडम मींस प्लांट्स की दुनिया। हरियाली हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली की तरफ ध्यान देना चाहिए और पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधे हमारी ज़िंदगी के बहुत अहम हिस्से हैं। पौधों के बगैर हमारा जीना मुश्किल है। ज़मीन के अंदर खुदा ने कैसी ताकत रखी है। छोटे छोटे पौधे हमारे लिए ग़िज़ा तैयार करते हैं। इनसे मक्का, गेहूं, दाल, चावल, फल और सब्जियां मिलती हैं। दूसरी जानिब बड़े दरख्त से तरह तरह के फल, जलावन की लकड़ियां, इमारती लकड़ियां, लह और रबर भी मिलती है। इतना ही नहीं, पेड़ पौधों से हमें तरह तरह की दवाई भी मिलती है। मींस पेड़ पौधे जो हैं वो हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अहम होता है इम्पॉर्टेंट। पौधों के बगैर हम जीने की सोच भी नहीं सकते हैं। पौधे ज़मीन के अंदर अल्लाह ने ऐसी ताकत रखी है कि उससे पौधे उग जाते हैं। छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो हमारे लिए खाना देते हैं, ग़िज़ा होती है, हमारा खाना तैयार करते हैं। और उसमें मक्का होती है, गेहूँ, दाल, चावल, फल, सब्जियाँ, ये सब हमें कहाँ से मिलती है? पौधों से ही तो मिलती है। और दूसरी तरफ दवाइयाँ, और कभी कॉटन के कपड़े होते हैं उसका भी पेड़ होता है, रबर होती है, वुड्स होती हैं, लकड़ियाँ जो होती हैं, ये सब भी कहाँ से मिलती है? हमें पेड़ से मिलती है। खुदा का बड़ा एहसान है, उसने हमारी ज़रूरतों का सारा इंतज़ाम कर रखा है। मौसम के मुताबिक अलग अलग पौधे उगा रखे हैं। हर मौसम में अलग अलग फूल, फल और सब्जियां मिलती हैं। पौधों के सभी हिस्सों को हम अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। गाजर, मूली, शलजम और चुकंदर, ये सब जड़ें हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। ईख का तना मीन्स ईख होती है बेटा गन्ना, ईख का तना हम चूसते हैं या रस निकाल कर शक्कर बनाते हैं। आलू, अरवी, शकरकंदी वगैरह भी तने हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। ये ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। कुछ के पत्तों और तनों को हम साग बनाकर इस्तेमाल करते हैं। पालक, सोयाबीन, मेथी वगैरह की साग बहुत अच्छी होती है। पौधे पुदीना और धनिया की चटनी बनती है, गोभी की सब्ज़ी बनती है, खीरे, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, लौकी, गेहूं, मक्का, जवार, जौ, जवार और बाजरा, ये सब बीज हैं। दाल में इस्तेमाल होने वाले मटर, चना, अरहर वगैरह भी बीज हैं। सरसों, मूंग, फल, तिल वगैरह के बीज से हम तेल निकालते हैं। लिहाजा पौधे के सारे हिस्से इस्तेमाल होते हैं। मींस प्लांट का हर एक पार्ट यूज़फुल है। आपने साइंस में पढ़ा है प्लांट्स के अलग अलग पार्ट होते हैं, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, तो हम सभी से कुछ ना कुछ लेते हैं, है ना। तो इसमें भी यही सब बताया गया है कि कुछ पौधे होते हैं जिनके हम पत्तों को यूज़ करते हैं, कुछ के हम बीज से तेल निकालते हैं, कुछ के हम तनों को खाते हैं और कुछ जड़ें होती हैं जिन्हें हम खाते हैं। पेड़ पौधे कुदरत की बड़े हसीन और कीमती सरमाया हैं। इसकी देखरेख और पेड़ पौधों की हिफाज़त हमारी जिम्मेदारी है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे इंसान ज़िंदा रहता है। पेड़ पौधे बारिश पर भी असर डालते हैं। जहां जंगल ज़्यादा होंगे वहां बारिश ज़्यादा होगी। पेड़ पौधों की वजह से बारिश से मिट्टी का बहाव और कटाव भी कम होता है। जंगल की कमी से ज़मीन बंजर हो जाती है, फिर धीरे धीरे ये रेगिस्तान में तब्दील हो जाती है। मीन जो पेड़ पौधे होते हैं वो बारिश पर भी असर डालते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, और जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ का मौसम भी अच्छा रहता है, वहाँ गर्मी इतनी नहीं होती, ठीक है। और अगर हम पेड़ पौधे, जैसे अब आप लोग देख रहे हैं पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, लोग जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की जो लेवल है वो कम होती जा रही है और दिन ब दिन गर्मी ज़्यादा होती जा रही है, राइट। और जब पेड़ काट देते हैं तो वहाँ की जो ज़मीन होती है वो बंजर हो जाती है, मीन्स यूज़लेस हो जाती है, वहाँ पर फिर दोबारा से फसल नहीं उगती और फिर वो धीरे धीरे रेगिस्तान में तब्दील हो जाती है। रेगिस्तान होता है जहाँ पर रेत ही रेत होता है, वहाँ पर पौधे नहीं उगते। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम पेड़ पौधों का ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। हमारी सरकार भी जंगल की हिफाजत पर तवज्जो दे रही है। सरकार पेड़ पौधे लगा रही है। सारी दुनिया के लोग इस जानिब तवज्जो दे रहे हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएँ और उन्हें
काटने से बचाया जाए ताकि कुदरत के निज़ाम को ठीक रखा जा सके, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि लोग पानी के लिए परेशान हो जाएंगे, पानी की सतह बहुत नीची हो जाएगी और पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी फॉरेस्ट को बचाने के लिए अलग अलग रूल्स बना रही है, बहुत ध्यान दे रही है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा रही है। तो हमारी भी ड्यूटी है जब हम इस दुनिया में रहते हैं कि हम भी पेड़ पौधे लगाएं और उन्हें काटने से बचाएं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें पानी के लिए भी बहुत परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि जो पानी की सतह है, जो वाटर का लेवल है, वो बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा और हमें पानी मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।